सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की भजनलाल सरकार को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत केंद्र सरकार के खिलाफ दायर मुकदमा वापस लेने की इजाजत मिल गई है। वही मुकदमा जो शेखावत के बहाने गहलोत ने मोदी सरकार पर ठोका था। इसके बाद भजनलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली, कहा कि इस केस में कोई मेरिट नहीं बनती है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित फोन टैपिंग मामले में नया मोड़ आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भजनलाल सरकार की याचिका को मंजूर कर दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गहलोत सरकार के समय दर्ज किया गया था। तब गहलोत सरकार ने गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को राजस्थान में जांच से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब इसी मामले में प्रदेश की भजनलाल सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही कोर्ट का आदेश है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का फोन टैपिंग केस, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर है, उसे वापस लिया जाए। बता दें कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये मुकदमा गहलोत सरकार ने दायर करवाया था। गहलोत सरकार जाने के बाद भजनलाल सरकार आई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लेने के लिए अर्जी दायर कर दी, कहा कि इस केस में कोई मेरिट नहीं बनती है। फोन टैपिंग कांड के बाद गहलोत सरकार ने ये तर्क दिया था कि फोन टैपिंग की जांच दिल्ली पुलिस के क्षेत्राधिकार में नहीं है और केवल राजस्थान पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए। इसके बाद भजनलाल सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्ड और मामले के तथ्यों की गहन जाँच पड़ताल की गयी। इसमें सामने आया कि मेरिट के आधार पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने लायक नहीं है, इस कारण से इसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नतीजा ये कि सुप्रीम कोर्ट का समय बचाने और न्याय हित में मामला वापस लेने का निर्णय किया जाए। भजनलाल सरकार की यही दलील सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुड़े फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ दायर अर्जी को वापस लेने की इजाजत दे दी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गहलोत ने मोदी को फंसाया तो भजनलाल ने आकर बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।